अपने कतल का एक रिवाज बनने के लिए, मिजाजों को एक समाज बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किसी के सीने का एक एहसास बनने के लिए, वक्त की नजाकत में एक रफाकत बनने के लिए तन्हाइयां चाहिए होती हैं, तन्हाइयां। और हम लाइमलाइट के लाइमलाइट बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिस्टम खड़े किए हैं दुनिया के अंदर, कुफार के हों या हमारे ईवन दुश्मनों के भी आप बड़े लोग उठा के देखें, आजाद थे वो अपने आप, आजाद। नेल्सन मंडेला की इसने मिसाल दी मेरे भाई ने, नेल्सन मंडेला के बारे में मेरे भी 2.50 ले आप यहां पर। नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सजा दी गई थी कि उसे टच करने की सजा दी गई थी कि इसको टच कोई नहीं कर सकता, नोबडी विल टच नेल्सन मंडेला, तो उसकी फैमिली दूर से मिलती थी, उसको इतनी सख्त सजा दी। उसके जेलर ने कहा था नेल्सन मंडेला कि मैं वो वाहिद शख्स हूं, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत दे दी जाती, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत मिल जाती। ये जो उन्होंने तुझे सजा दी है ना कि तू बैठा है यहां पर, तुझे छू भी नहीं सकता, ना तू किसी को छू सकता, ना कोई तुझे छू सकता। 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है ना, 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है, ऐसा फ्रेश था वो अपनी जंग के अंदर कि उसने पहले दिन आते साथी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, जितने बड़े चौधरी बैठे हुए थे सिस्टम के, उसने पहले दिन आके बोला, जेंटलमैन सिट डाउन, नाउ आई विल टॉक। 20 साल तैयार था वो, 20 साल तैयार था कि उसने बोलना क्या। ये नहीं था सानू 5 साल बाद रिहाई मिले, इसमें ले लो जान के, 20 साल भी वो रेडी था। आखिरी के जुमले में उसके बोलता हूँ कि उसकी पूरी जिंदगी की तारीख में वो आखिरी के अंदर ना एक फील्ड में जा रहा था, एक फसल से गुजरते हुए उसने कहा था, उसकी बीवी से भी उसका इख्तलाफ हो गया एक बड़े कोर इश्यूज के ऊपर, जमात के कोर इश्यूज पे, मंशूर के बुनियादी रुकन शिक पर उसका इख्तलाफ हो गया बीवी के साथ, नेल्सन मंडेला। एंड में वो बीवी भी छोड़ गई उसको, पता क्या कहता है, कहता है इट्स अ लोनली वॉक, ये लीडर की लीडर की जो जर्नी है ना, ये जो सफर है, ये तन्हाइयों का सफर है, कह रहा ये सफर ही तन्हाइयों, ये बाजू मिलते हैं, जमातें बनती हैं, तरीके बनती हैं शराबी भाई, लेकिन एंड में ये दो टांगे होंगी जो जिसके ऊपर खड़ा होता है इंसान। इसलिए कहते हैं दोस्ती टांगों से दिल लगा के करनी चाहिए, होंगे एंड में यही दो होंगी और कोई साथ नहीं खड़ा होगा, शुरुआत में भी ये टांगे अकेली होती हैं, एंड में भी ये टांगे अकेली होंगी। लीडर को एक लेवल पे कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि अपने आप से आजाद हुआ, और अपने आप से आजाद हो के कौम का हो गया, मुल्क का हो गया, एक फलसफे का हो गया, बड़ी बात। ये बड़े सियासी भाषण होते हैं जो हमें भी अब देने आ चुके, अल्लाह कौम मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ये सियासी बातें, अल्लाह हम कौम का हामियों नासिर, ये सियासी पत्र, दीज आर ऑल पॉलिटिकल टॉक्स। इन्हें मैं थर के रेगिस्तानों के अंदर मारे खा रहा था ये अभी के वाले काम के अंदर, एक दिन आप उस रेगिस्तान में, उस गांव, एक गांव में थर के अगर आप एक रात गुजार लेना, आटे, मैं कहता हूँ पंजाब के लोगों को सुख है, मिजाज पंजाब के लोगों के मिजाज देखे हमने, मैं खुद पंजाबी हूं लेकिन मैं बोलने में नहीं शर्म खाऊं, मिजाज है, क्यों अमन है, कराची को अमन ही नसीब नहीं हुआ कभी, हर में आप जाए आप हिल जाएंगे, कहते माशाल्लाह ऐसे थे जिथे थुक पाओ थुक, जिधर थूक दे आदमी वहां से दरख्त उग जाता है, इतनी खुशहाली है माशाल्लाह, अल्लाह ने इतनी बारिशें दी है। तो अपने आप से आजाद हो के एक फलसफे को खिदमत का फलसफा दे देना भाईजन, ये तो बहुत मुश्किल काम, इस पर सबसे पहला आपकी फील्ड में जो आपके ऊपर ताना आएगा ना, यार रहते है कई जकात फोरन,